तो सिपाहियों ने उस ऋषि को पकड़ा कि महात्मा जो है ध्यान करता आँख बंद करके और रात में चोरी कराता है, इसलिए ये चोर को चोरों का सरदार है और सारी संपत्ति इसके यहाँ निकली है, इसलिए इसको ले चलो। तो राजा ने देखा कि महात्मा इसी भूल करे तो उसको सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए, तो उनको फांसी की सजा दिया। और उसमें फांसी की सुली वो बांस की होती रहे कि धीरे धीरे रीभ रीभ कर मरे, तो फांसी पर लटके रहे। और वो कौशिक ब्राह्मण अपने पत्नी को पत्नी जो है कौशिकी वो खम्भे पर लेकर जा रही है, रात में उसका माथा लग गया ऋषि के पैर में, उन्होंने श्राप दे दिया कि एक तो मुझे फांसी पर लटकाया है और दूसरे हिला रहे हैं, कोई सूरज होते ही तेरा शरीर छूट जाएगा। तो होनी बड़ी विचित्र होती है कि महात्माओं को भी क्रोध नहीं आता है, लेकिन अतिशय रगड़ करे यदि कोई अनल प्रगट चंदनते हुई, चंद्र को भी बहुत घसोगे तो कभी गुस्सा हो जाता है और उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है, कुछ होना होता है वहीं क्रोध आता है। दे दिया श्राप, श्राप देने के बाद सती नारी रही। अपनी जगदम्बा ने बोला रहा कि सती नारियों का महत्व है कि अपने पति में ही डूबी रहे, अन्यत्र कहीं मन न जाए, उसकी सेवा में रहे, उसको ही नारायण भगवान मानकर पूजे, उसका जप तप वही है। तो वो सती नारी रही, उसके प्रताप से सूर्य रुक गए हैं, आए सृष्टि का क्रम बिगड़ने लगा। तो सब देवलोग ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, बोले कि इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, श्राप का मामला है। तो अनसुईया के पास गए हैं लोग, मानसुईया आई है, वो भी सती महान सती रही, वो आई हैं और बोली हैं बेटी तू सूरज को उगने दे और तेरा पति मरेगा तो हम जिंदी कर देंगी और उसका कुष्ठ भी मिट जाएगा। ऐसे ही हुआ, सूरज को उगने दिया है और उसका पति का शरीर छूट गया है, मानसुईया ने उसको जीवता कर दिया है, और ऐसी कथा है। तो एक कथा ये है। दूसरी कथा है कि नारद जी ने सोचा कि इस भारत में जो सन नारियाँ हैं ये अपने को समझती नहीं कि हम क्या हैं, इन सती नारियों की क्या महत्ता है, देवी देवताओं को बताना है मुझे। नारद जी बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, तो जा करके जो है सती नारी अनसुईया माँ, एक सूरज को रोकने वाली को सूर्य उदय करा दिया और कुष्ठ मिटा दी, कैसी महान नारी है। तो नारद जी जाकर बोल रहे हैं कि देवियों आप पार्वती माँ हैं, रुद्राणी हैं, ये ब्रह्माणी है, ये लक्ष्मी हैं, आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ कहना है। कि क्या? कि आपसे भी महान कोई मर्त्यलोक में नारी है जिसकी महत्ता समझना बहुत मुश्किल है, आप लोगों से भी महान है ऐसा सुना है, तो आप लोगों से भी कोई महान बन जाए। महाराज जी ओम नमो नमः, आप लोगों से कोई महान बने तो हमको देखा नहीं जाता है कि ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी से भी कोई महान इस भूमंडल पर हो, उनके सामने दूसरा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग परीक्षा करो और उनको बताओ कि हम लोग आपसे भी महान हैं। अब माताओं में जरा ईर्ष्या भी होती है, लगा कि सही बात है, हमसे कोई बड़ा क्यों हो जाए। तो शंकर से रुद्राणी, ब्रह्मा से ब्रह्माणी, विष्णु से लक्ष्मी माँ बोल रही हैं कि आप जो है एक बात मानो। तीनों को नारद जी ने मंत्र दे दिया, एक मेरी बात मानो ऐसा कि सती नारी जो अनसुईया है उसकी परीक्षा करो, हम लोग से नीचे आवे ऐसा कुछ करो। तो वो लोग गए हैं तीनों देवता और वहाँ जा कर के बोले हैं मानसुईया से
साधु बन करके, फकीर बन करके, नारायण 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 करते हुए आओ महाराज। अपने दरवाजे पर कोई साधु संन्यासी आवे तो उसको भिक्षा देना चाहिए, खिलाना चाहिए, खाली हाथ न जाए। खाली हाथ जाए अगर तो अपना पुण्य ले जाता है। तो बोले महाराज क्या सत्कार करूं, कि बस हम लोगों को खाना खिलाओ, कि बिल्कुल तैयार करती हूँ, लेकिन एक शर्त और है कि आप दिगंबर होकर के गोदी में बिठा कर खाना खिलाओ। तो माँ अनुसुईया बोलती है कि ये कौन है ऐसा हमको बोले, सन्यासी होकर के मुझ सतीदारे को ऐसा प्रश्न करे। आंख बंद किया, वो जान ली कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो कोई हर्जा नहीं। माँ ने संकल्प किया अगर मेरे अंदर सतीत्व हो तो ये बालक बन जाए। इनको छोटे छोटे बालक बना करके एक झूले पर झुलाई है। एक अर्थ ये है, एक झूले पर, एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम बहुश्यामी, ब्रह्माणी जो है सृष्टि करता शक्ति है एक ही है, और उसके अंदर ये तीनों स्वरूप हैं। दूसरा अर्थ है दिक एव अम्बर दिगम्बर, जिसका दिशा ही वस्त्र हो, इतना सूक्ष्म अगर हमको देखना चाहते हो तो तुम मुझे देख सकोगे कि नहीं, इसके लिए तुम भी उस कक्षा में आओ। इसलिए माँ ने जल लेकर पानी छाटा है, वो लोग अदृश्य हो गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहे हैं, इतने सूक्ष्म हो गए कि उस समय जो है उनको ख्याल आया कि हमसे भी महान है ये सती नारी है, इसकी गणना में कोई है ही नहीं। दूसरा अर्थ ये जो बताया कि उनको जो है दिगंबर बना दिया, अवधूत बना दिया। आप सोचना अवधूत शब्द का अर्थ बहुत विशाल है, और अ का मतलब है अक्षय, अव्यक्त, अवर्णनीय, व्यापक, अ का मतलब है। ध का मतलब है कि अखिल सृष्टि के विकारों को जिसने त्याग दिया है, फटकार दिया है, जिसके मन में कुछ है ही नहीं है, संसार में रहते हुए जो जल कमलवत है, कमल पानी में रहते हुए जल नहीं स्पर्श होता है, ऐसे ही रहता है। इतने संत लोग जो हैं, जो इस कक्षा के हैं, वो संसार में रहते हुए भी नहीं रहते हैं, लेकिन वो ख्याल आ जाता है। कोई अवधूत बनने जाए, कपड़ा निकाल करके बोले मैं अवधूत हूँ, तो कपड़ा नहीं रखने से कोई अवधूत नहीं बनता है। अवधूत कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, अवधूत एक स्थिति है कि आप जो है कपड़े पहने हुए भी अवधूत कहे जा सकते हैं, और कपड़ा निकाल भी अवधूत हो सकते हैं, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको पहचानना बहुत मुश्किल है। अवधूत को पहचानना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। तो अशब्द का अर्थ है ऐसा, यह असंग लिप्त, अक्षय, अव्यक्त, असीम, ये वो अवधूत हैं। वो आकाश भी उनके अंदर समाया हुआ है, ओ का मतलब ये है। अव का मतलब है वरेण्य, जो श्रेष्ठ है इस सृष्टि में, उसके जैसा कोई है ही नहीं है, वो वह है। अव अव धूप ने धिक्कार दिया है, सारी सृष्टि से पर हो गया है, तत्व गुण प्रकृति पंच तत्वों से पर होकर के सृष्टि को देख रहा है, फिर भी इस जगत के बीच में है। वो व धू तो, तो मतलब जो है कि तत्व बोध ज्ञान, तत्वमसी, जिससे आगे कुछ है ही नहीं है। तो अवधूत में एक नाम दत्तात्रेय महाराज का ही आता है, और किसी का नाम अवधूत में नहीं है, लेकिन आजकल अवधूत की पदवी दी जाती है। होगा ऐसे करते करते कदाच कोई अवधूत बन जाए, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कपड़ा नहीं पहनना और दिगंबर आने को भी अवधूत बोलते हैं, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनकी क्या स्थिति होगी, लेकिन मैंने स्थिति का वर्णन किया। हो सकता है कि कोई संत उस कक्षा में भी हों और कोई न भी हों, लेकिन इस कक्षा में जो हो ना उसको हम अवधूत बोलते हैं। तो इन अवधूतों में दत्तात्रेय महाराज का ही नाम आता है, औरों का नहीं। तो मैंने इस तरह से उनको जवाब दिया रहा,
कि हमारे भारतवर्ष में जो महापुरुष हुए हैं उनके विषय में कुछ सोचना गलत है। उस गहराई में जाकर पूछो तो आपको ख्याल आएगा कि इसका मतलब क्या है। अत्रि क्या है? जो तीनों गुणों से पर हो, सत्य और स्तंभ भी नहीं है, तत्व प्रकृति से पर है, उसको अत्रि बोलते हैं। अनसुईया माँ जिसके अंदर रागद्वेष ईर्ष्या है ही नहीं है, हमेशा सबको अपने स्वरूप में देखती है, सबको प्यार करती है और सब में अपनत्व रखती है, वो अनसुईया है। मतलब तत्व गुणों प्रकृति से पर है, वो अनसुईया माँ है, उसको अनसुईया बोलते हैं। तो अत्रि अनसुईया के यहाँ देवों के आशीर्वाद से ये भगवान प्रकट हुए हैं। तो अत्रि अनसुईया के यहाँ इसलिए देव गए हैं तो माँ ने बालक बना दिया है। बालक का मतलब आप देखे होंगे कि आपकी बच्ची हो कि बच्चा हो, कपड़े पहने बगैर कूदता है, खेलता है, धूल लपेटा हुआ है आपकी गोदी में आकर बैठ जाता है, चाहे भाई हो कि बहन हो, उसको कुछ ज्ञान नहीं है और सब लोग उसको प्यार करते हैं। लड़की हो तो भी, लड़का हो तो भी, गोदी में लेते हैं, उसको प्यार करते हैं, धूल झटकारते हैं, नहलाते हैं, क्योंकि बालक है, उसके अंदर कुछ ज्ञान ही नहीं है कि जगत क्या है। एक अज्ञानावस्था में जो बालक की स्थिति है, वही ज्ञानावस्था में एक संत की स्थिति हो, वो ज्ञानी है, वो अवधूत है। तो सुखदेव जी अवधूत रहे हैं। सुखदेव जी जब जा रहे हैं तो माताएं स्नान कर रही हैं तालाब में, तो कुछ नहीं देख कर हंस रहे हैं कि देखो कैसा बालक जैसा कोई महात्मा जा रहा है, देखो तो कैसा, और हंस रही हैं, नहा रही हैं, वस्त्रहीन होकर के भी। अब व्यास जी जब निकले तो सब कपड़े ओढ़ ली, तो व्यास जी हंसने लगे कि मेरा नौजवान बच्चा जा रहा है तो आप लोग कुछ मर्यादा नहीं, ऐसे ही रहते, हमें आया तो आपको शर्म कहे कि आपको संसार का ज्ञान है, महाराज आपको संसार का ज्ञान है, इसलिए हम लोग मर्यादा में रह कर आपकी बचाव, आपका हम बचाव करते हैं, या आपको कोई उलझन न पैदा हो जाए। तो हम सन्नारी हैं, माता हैं, आपको मर्यादा सिखाती हैं कि कैसे जगत में रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। सुखदेव जी सबसे पर हैं, इसलिए महान हैं, वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। मैंने उन लोगों को जवाब दिया है कि अवधूत का मतलब यह है कि माताएं उनको बालक बनाई हैं एक अर्थ में, और वो लोग देवता लोग प्रार्थना किए हैं तो उनको अपने स्वरूप में करके भेजी हैं, और उनका आशीर्वाद से ये दत्तात्रेय महाराज प्रकट हुए हैं, वो अभी भी हैं। योग की भाषा में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, द्विदल, त्रिकुटी, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ एक ऐसा चक्र है, मूलाधार गणपति चक्र है, स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा का स्थान है, वो सृष्टि करता है, विघ्नहर्ता गणपति जी हैं। मणि चक्र में विष्णु चक्र है, विष्णु का स्वरूप है। किसी किसी को ध्यान में सुंदरिया कलर, सिंदूर कलर दिखता है, वो गणपति चक्र है। किसी किसी को पीला कलर दिखता है, वो ब्रह्मा चक्र है। स्वाधिष्ठान मणिचक्र, मणिचक्र विष्णु चक्र, लीला लीला आकाश का कलर किसी को दिखता है तो पूछा जाए कि क्या दिखा, लाल पीला ब्लू कलर दिख रहा था, उनको लगा कि जैसे दीवार रंग दिया गया है ना, वो कलर दिख गया उनको। इस मामूली बात नहीं है कलर का दिखना, ये योग की भाषा का कलर है कि आप पुस्तक पढ़ोगे तो आपको ख्याल आएगा कि कलर का मतलब क्या है। उसके बाद मूलाधार, स्वाधिष्ठान, बड़े चक्र, अनाहत चक्र आता है, उसमें धुएं बादल के गोटे दिखते हैं, बादल दिखते हैं ना, पानी वाले उड़ रहे हैं, ऐसा दिखता है। और उसके आगे विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र जो है वो स्थान जो है कृष्ण का षोडश कला, वहाँ है षोडशी कला है,
भगवान कृष्ण को लोग बोलते हैं 16 कला में आए हैं और रामचंद्र जी 12 कला में आए हैं। भेद कुछ नहीं है, दोनों परमात्मा हैं, लेकिन ये परमात्मा सृष्टि नियंता जो अजन्मा है, अनंत है, व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है, जहाँ जितनी शक्ति की जरूरत होती है उतनी ही शक्ति लेकर के प्रकट होता है। कृष्ण अवतार में बहुत से ऐसे लोग रहे कि जिनको अपने दूसरी ताकत से मारना था, तो कृष्णस्तु काल का स्वयं काली का स्वरूप जो है वो कृष्ण का स्वरूप है। कृष्णस्तु काली का स्वयं कृष्ण जो है।